दोस्तों आपका स्वागत है फिर से मंत्र टू स्कोर 60 प्लस में, और इस बार हम बात करने वाले हैं ऑडिट के बारे में। और जो है भाई, ऑडिट के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि अपने कैलेंडर में मार्क करके रख लो आज की डेट 7 PM, जब हम सॉल्व कराएंगे आपको। सबसे पहली बार सोल्यूशन देंगे हम आपको गैस पेपर का, और इसमें हम आपको सोल्यूशन कैसे देंगे आपको कीवर्ड्स बताएंगे और गलतियाँ बताएंगे कि जो आप करके आ जाते हो उन क्वेश्चन में, और उससे आप अच्छा मार्क्स कर सकते हो। आपका क्वेश्चन होगा कि भाई आपने इम्पोर्टेंट ऐसे दिए हैं, उनका भी रिवीजन कराओगे या नहीं, तो भाई उनका रिवीजन नहीं कराएंगे हम, जो है सॉल्यूशन देंगे आपको क्वेश्चंस का, इम्पोर्टेंट ऐसे की लिस्ट आपकी केवल रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब इस वीडियो का दोनों के साथ में बनाने का पर्पस क्या था वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो है सबसे पहले मैं हर वीडियो में स्टार्ट करता हूँ कि भाई एग्ज़ाम में क्या मिस्टेक करके आते हो आप लोग। तो एग्ज़ाम में ऑडिट के पेपर में मिस्टेक आप जो करके आते हो वो है कंजूसी। कंजूसी आप सोच रहे होगे कि मेरा ये कंजूसी कहने का मतलब क्या है, तो भाई ध्यान से सुनना। कंजूसी आप ये करके आते हो, क्वेश्चन में पूछा जाता है कुछ, सपोज पूछा गया कारो, आप क्या करके आते हो, बस कारो को डिफाइन करके आ जाते हो। अरे भाई ये बताओ सबसे पहले कि आया कहाँ से, कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, कौन बताएगा ये चीज। यही सारी बहुत ही मोटी मोटी मिस्टेक्स मैं आपको आज जो है बताने वाला हूँ सॉल्यूशन ऑफ गैस पेपर में। और आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने एक पोल रखा था, और आपका जनता का जनार्दन हूँ आप लोग, और आप लोगों ने कहा कि भैया हमें चाहिए ये लाइव, तो ये होगा लाइव, ठीक है। तो आप अच्छे से अगर ज्वाइन करोगे, इंटरेक्टिव सेशन रखोगे, तो जो है मुझे मजा आएगा, और मैं जो है भाई आप लोगों से बहुत बात करना चाह रहा होता हूँ, और जो है आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व करने में मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या दिक्कत क्या है, दूसरी गलती है एग्जाम से पहले वो है गलती डर। किस से, ऐसे से कि भाई ऐसे ना यार, बड़ी खतरनाक चीज है आप, ऐसा आप लोगों को पता नहीं क्यों लगता है। आप लोग कभी भी ये नहीं सोचते हो कि जो है भाई कुछ भी नहीं है ऐसे में केवल और केवल ये है कि कॉमन सेंस लगता है। चलो आप डर रहे हो, तो अब जो है बात को खत्म करते हैं डर को खत्म करते हैं, और आपको बताते हैं कि भाई अगर आप ऐसे नहीं भी पढ़ के जा रहे हो तो भी अच्छा नंबर कैसे स्कोर कर सकते हो। और बात केवल यही है कि जरूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्क करके अच्छा नंबर लेके आओ, थोड़ा सा स्मार्ट खेलो, यही है मेरा ये मंत्रा टू स्कोर 60 प्लस बनाने का मतलब। आपको स्मार्ट बैटिंग कराना सिखा रहा हूं मैं। स्मार्ट बैटिंग कैसे करा रहा हूं कि भाई बर्ड आई व्यू है हमारे पास, और हमें पता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो क्यों ना हम उसी तरह से प्रिपेयर करें। तो आओ सबसे पहले आप लोगों को बताऊं मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है ये, सबसे पहले आप करोगे कंपनी ऑडिट। दुनिया जहां का कुछ भी हो जाए करोगे कंपनी ऑडिट सबसे पहले 1 और 2। कैसे करोगे, सेक्शन के साथ पूरा रट के करना, ठीक है। उसके बाद करोगे स्पेशल ऑडिट में ना भाई आप बहुत गलतियां करते हो, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है मिशन ऑडिट एग्जेम्पशन का, आप उसको रेफर कर लेना। इस मंत्रा टू स्कोर के बाद के साथ साथ आप अगर ऑडिट का एग्जेम्पशन वाला हमारा वीडियो करते हो, मिशन एग्जेम्पशन वाला, तो आपको काफी फायदा होगा। फिर उसके बाद आपको करना है रेस्ट, मतलब बाकी उसके बाद कुछ भी कर लो, लेकिन पहले ये एकदम मजबूत कर लेना। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि पहले इसको मजबूत कर लेना, क्योंकि ये कम से कम 30 से 40 मार्क्स का हर बार आता है, ये भाई आपका 8 से 16 मार्क्स का वेरी कर लेता है, और कभी कभी नहीं आता, लेकिन ये 30 से 40 मार्क्स आपका आता ही आता है। प्लस इसमें से सबसे ज़्यादा कंपनी ऑडिट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है आपका करेक्ट इनकरेक्ट का, और करेक्ट इनकरेक्ट में कैसे नंबर लेके आना है मैंने आपको बताया हुआ है, और करेक्ट इनकरेक्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं कंपनी ऑडिट से, तो भाई आपको बहुत हेल्प होने वाली है अगर आपने कर रखा है तो, ठीक है। उसके बाद आप रेस्ट चैप्टर कर लोगे। अब जो है बात सुनो मेरी, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट, आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है तो ग्रुप टू वालों, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है तो हमारा सबसे पहले लो ऑडिट बॉम्ब ले सकते हो, आप देख सकते हो ऑडिट बॉम्ब का भी वीडियो हमने डाल रखा है कि कैसे उससे ला सकते हो आप। उसमें मैंने डाला हुआ है कंपनी ऑडिट पूरा, केवल 22 पेजेस में। स्पेशल ऑडिट के दिए हुए हैं निमोनिक्स। फिर ये जो रेस्ट है ना,
इसको मैंने इतना ज़्यादा आसान कर दिया है कि भाई पहले दे दिया है आपको निमोनिक, फिर आपको दे दिया है मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लगभग हर बार इनमें से दो तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको दे दिया है करेक्ट इनकरेक्ट, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके काम आएंगी। तो आप उससे केवल और केवल 3 दिन में आप ऑडिट कवर कर सकते हो, 3 डेज में, 3 डेज में पूरा की पूरा ऑडिट कवर कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गई कॉमन मिस्टेक की बात कि भाई आप क्या कॉमन मिस्टेक करके आते हो। या तो जो है आप, दो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन ये कि आप इस तरह से पढ़ो, दूसरा ऑप्शन है आपका ऐसे का जो कि बहुत ही बम्बास्टिक है, फिर उसके बाद जो है आप जाओ इस कंपनी ऑडिट पे। अब दिक्कत की बात ये है, अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट, रिजल्ट मतलब कि मार्क्स उतना ही आएगा जितना जो है मेरा इनमें से करके आ रहा है, इनमें से करके आ रहा है, और जितना इनमें से करके आ रहा है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा कि जो है सिंपलर ऑप्शन चूज करो और इस तरह से पढ़ो। दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मेरा मतलब यही था और आपको बताना था कि भाई देखो आप ऑडिट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बशर्ते आप इस चीज़ को फॉलो करो। दूसरी चीज़ की जो है, हम लाइव आने वाले हैं तो उसका जो है ध्यान रख लेना, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप चल रहा है उसको ध्यान रखना, और कल की डेट फिर से मार्क कर लो कि कल मैं आपको कराने वाला हूँ आईटी का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को कल, और देखता हूँ अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट है लाइव की तो लाइव कराऊंगा, अदरवाइज जो है आपका ऑफलाइन अपलोड कर दूंगा मैं। तो जो अभी तक मैंने पोल रखा था वो उसके अकॉर्डिंग आईटी का मैं आपको चैप्टर नंबर 1 करा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 करा रहा हूँ, एसएम का मैं करा रहा हूँ चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 1, एसएम ऑडिट का मैंने जो है चैप्टर 1 की वीडियो मैं पहले ही बहुत पहले बना के डाल रखी है, आप जो है रेफर कर लेना, वैसे तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दी है। आईटी की मैंने चैप्टर नंबर 5 का रिविजन कराया था लाइव, वो आप रेफर कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और मंत्रा टू उसको 60+ में लास्ट वीडियो केवल बाकी है और ITSM की, और जो है आई होप आप लोग उसको बहुत प्यार देने वाले हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और जाते जाते बस एक बात लास्ट आपसे कि दोस्तों पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ो, क्योंकि सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे।